तो भाई जो कि कोरियंस है अपनी एक अलग ही स्टोरी के लिए फेमस है वो लोग, और हर बार रोमांटिक कहानी को एक ऐसे एंगल से भाई दिखाते हैं कि हमारा जो कि माइंड है उसको हिला डालते हैं। तो ऐसी ही सीरीज़ मैंने देखी है क्रेजी लव, जिसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज़ किया गया है। हिंदी लैंग्वेज काफ़ी बढ़िया की गई है, और भाई इस सीरीज़ के आपको टोटल 16 एपिसोड देखने पड़ते हैं। इसके हर एपिसोड पर तकरीबन आपको अपना एक घंटा टाइम देना पड़ता है। तो कैसी है सीरीज, चलिए बात करते हैं। क्रेजी लव में स्टोरी मेन फोकस करती है गु जिन के कैरेक्टर पर, जो कि मैथ में जीनियस है, और उसकी एक गो टॉप एकेडमी है, जो कि आप बोल सकते हैं कि वहाँ कोरिया में वो एक बेस्ट टीचर है, और बहुत ही ज़्यादा रूड है, लोग उसको ना पसंद करते हैं उसके बिहेवियर की वजह से। आप क्योरिटी होती है सीना, जो कि एक साल तक टिक चुकी है, यानी कि वहाँ पर कोई 3 महीने से ज़्यादा टिकता नहीं है। अब जो कि सीना है उसको एक बीमारी निकल आती है जानलेवा, जिसका वो समझती है कि भाई उसी सीईओ की वजह से मुझे हुई है। तो अब वो उससे रिवेंज भी लेना चाहती है, और अब उन दोनों में कहीं से प्यार होता है, और क्योंकि सीईओ गोजन है काफ़ी लोग उस पर हमला करते हैं। तो इसके बाद कहानी में क्या कुछ होगा, तो यही सब जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना पड़ता है। तो भाई इसमें जो कि लव दिखाया गया वो भी एकदम क्रेजी है, यानी आपको सीईओ और सिक्योरिटी के दरमियान लव देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, और उन दोनों की केमिस्ट्री आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी। जो कि स्टोरी है ऑर्डिनरी है, इसमें आपको थ्रिल भी देखने को मिलता है, कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी चलता रहता है, लेकिन इसमें काफ़ी ऐसे टर्न एंड ट्विस्ट है जो कि आपको कहानी शुरू से लेकर एंड तक इंगेज रखेंगे भाई साहब। ज़्यादातर कोरियन सीरीज का आपको 16 एपिसोड ही देखने पड़ते हैं। ज़्यादातर होता है कि फर्स्ट हाफ जो है भाई काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन सेकंड हाफ एकदम बेकार होता है, यानी कि स्लो होता है। लेकिन इस सीरीज की डिफरेंट बात है, पहला हाफ भी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन सेकंड हाफ इसका और कमाल है, काफ़ी सस्पेंस आपको देखने को मिलता है। पूरी लव ऐसे कि पहले एक दूसरे से नफरत करते हैं, फिर उनका प्यार कैसे होता है, तो भाई एकदम क्रेजी था, जो देखने में बहुत ही बढ़िया लगा। सीरीज से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, और जो कि करेक्टर्स हैं भाई उनकी बैक स्टोरीज दिखाई गई हैं। अब ये कोई सीयो गोजन है भाई, ये बंदा नफरत क्यों करता है हर बंदे से, सब करेक्टर्स की इन्होंने कहानी सुनाई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप एक अच्छी रोमांटिक स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को चेक कर सकते हैं। तो अगर मुझे इस सीरीज़ को रेटिंग देनी हो 5 में से, तो 3.5 रेटिंग दूंगा। तो चलिए वीडियो करते हैं यहाँ पर ख़त्म। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।